बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। मैं हूँ आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहें। ये नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, फिलहाल अभी जा रहे हैं ऑफिस और ये किसी ने धोती अपनी यहाँ लटका दी है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जी गाड़ी की तरफ, मैं आ गया हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऑफिस जाने के लिए रेडी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रखेंगे अपना लंच बॉक्स इधर, मोबाइल और इधर मेरी टोपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाड़ी हमारी हो गई माशाल्लाह स्टार्ट, थोड़ी देर में इंशाल्लाह निकलेंगे ऑफिस की तरफ और आज देखते हैं कि कौन क्या क्या लेके आया हुआ। फिलहाल मैं तो कल मैंने बनाया था अपना फूल गोभी बनाई थी तो काफ़ी अच्छी बनी थी, तो फिलहाल मैं तो ब्रेकफास्ट के लिए वही लेके जा रहा हूँ। हम देखते हैं हसीब भाई और अन्ना जो है वो क्या लेके आता है। अन्ना नॉर्मली अपनी डिशेज ही बनाता है, साउथ इंडियन डिशेज, इडली डोसा टाइप कुछ आइटम्स, या कभी कभी वो चना मसाला और हलवा पूरी वगैरह भी ले आता है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं ऑफिस, तो इंशाल्लाह ऑफिस में देखते हैं कि विजय ऑफ़र भी करता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात देखनी पड़ेगी कि विजय ऑफ़र करता है कि नहीं, है वो लेके आया कि नहीं। तो फिलहाल जाते हैं ऑफिस इंशाल्लाह। लंच बॉक्स मैंने ले लिया है अपना, ये मेरा लंच बॉक्स है और वो मेरी कैप है पीछे, ये मेरा लंच बॉक्स है। तो देखते हैं आज ऑफिस जाते हैं इंशाल्लाह। गोभी जाके ट्राई, रात को मैंने ट्राई की थी थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी ट्राई की थी, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो फिलहाल जाके देखते हैं इंशाल्लाह कि कैसा टेस्ट है, कैसी बनी है। मसाले वगैरह तो मैंने अच्छे खासे माशाल्लाह डाले हैं इसके अंदर, सरसों अपना सौंफ ज़ीरा कलौंजी, तो देखिए इंशाल्लाह टेस्ट में अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो ऑफिस जाते हैं इंशाल्लाह, ऑफिस जाके देखते हैं कि कौन क्या क्या लेके आया। विजय के लिए ये है मेरा खाना, ये कौन है हसीबे लेके आया? अच्छा हसीबे का ये राइस एंड क्या है, राजमा लोबिया। अन्ना का क्या है, खल्ली लेके आया अन्ना, मत्तल कोम्ब। मेरा जूस हो गया है रेडी, इसमें है जनाब ये गाजर, सॉरी गाजर नहीं है, सेब, मूली, अदरक, लहसुन, अपना कीवी, एक अदद इसके अंदर है अपना क्या कहते हैं इसको, चुकंदर, खीरा, ये सब मिलके मैंने ये जूस बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका चौथा गिलास है जो मैं पी रहा हूँ, चौथा कप है यानी। तो अब फिलहाल ये माशाल्लाह मेरा जूस हो गया है रेडी। मैं जी डालने लगा हूँ कपड़े मशीन में और पुराने वाले निकालने लगा हूँ, क्योंकि आज है मेरी छुट्टी, तो वॉशिंग डे था, तो आज मैंने धोए हैं अच्छे भले कपड़े अपने। ये मेरे कपड़े धुल गए हैं ऑलरेडी और यहाँ से मैं इसको निकाल लूँगा। ये जी मेरे कपड़े हैं धुल गए, कल तो मतलब छुट्टी है, कल ऑफिस नहीं है। और ये मेरे शूज़ भी धोने थे, मेरे वाइट थे, ये वाइट ये हैं आपको पता है बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसे भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ और डाल के धो लेता हूँ, माशाल्लाह अच्छे साफ़ हो जाते हैं, बेहतरीन है माशाल्लाह। और कपड़े मेरे धुल गए हैं और अभी मैं डालूंगा इंशाल्लाह, कल तक इनको प्रेस करके रखेंगे इसके अंदर अलमारी में। अब यहाँ से ये काफ़ी साफ़ हो गया है, फिलहाल इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं फ़िक्स कर दूँगा इसके अंदर ही कंपार्टमेंट में, ये क्योंकि मेरी डेली रूटीन की है तो मुझे रखनी पड़ेगी इधर। और पता नहीं क्या नट मट सामान उल्टा इसके इधर पड़ा हुआ है, ये रख लूँगा मैं इधर, मेरा मोबाइल, ये कुछ काटने के लिए साइड पे रख देते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, एंड मेरा कार फ्रेशनर, ये आइटम भी जो है मैं डालूँगा रूम के अंदर। और क्या पड़ा हुआ है जी, और मेरे शूज़ पड़े हुए हैं, ये बिल है कुछ, मैंने लास्ट टाइम इसका एसी काम करवाया था, यस ये उसका बिल है। तो फिलहाल इसको भी रखेंगे अंदर,
की ज़रूरत भी नहीं है हमें अभी। ये ऑक्स लेके आया था, ये ऑक्स का जी है बॉक्स, तो इसमें ऑक्स रख के वापस रखेंगे। ये है जी हमारा ऑक्स का बॉक्स, ऑक्स केबल का, ऑक्स केबल हो गई अंदर फिट। फिलहाल इसी के एज इट इज़ अंदर रख देंगे, ज़रूरत नहीं है अभी इसकी हमें। ये है जी ये डिवाइस लेके आया था मैं, ये उसका बॉक्स है, तो इसको फिलहाल यूज़ करेंगे। इसमें क्योंकि लास्ट पर आप ऑप्शन देखें कि जो है USB इसमें ऑक्स लगेगी, तो USB ऑक्स इसमें लगाएंगे। मेरे जी एक दोस्त की गाड़ी बंद हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ जी उधर चार्ज करने के लिए उसकी गाड़ी। तो फिलहाल पसीना बहुत आया हुआ है और जाके देखते हैं चार्ज करते हैं उसकी गाड़ी का। मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था अपनी, वो आ गया जी, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज़ थोड़ा सा आपके पास बैटरी से चार्ज कर दो। अब जाते हैं उसके पास देखते हैं। यहाँ है ये वाली गली है, पता नहीं ये वाली गली है कि कौन सी है, ये नहीं, ये नहीं है, ये वाली है। तो बड़ी दबा के पड़ रही है जी, पसीना पसीने हो गया, वो तो उसका तो बुरा ही हाल हो गया, तो उसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी होती है। तो फिलहाल जाके देखते हैं क्या है। ये कैसे मेहनत करते हैं यहाँ पे, और बेचारे फिर तोड़ रहे हैं भी ये दरख्त का, तो एक्चुअली काटने का टाइम काम दिया गया है, तो ये अभी बेचारा दरख्त को काट रहा है और काट के फिर वहाँ से खजूरी निकाल रहा है ये, जैसे जैसे देखें। और तपती धूप है यहाँ पे, मुझे वाह वाह पसीने आ रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी मेहनत का काम करते हैं ये लोग। तो मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पे मुकम्मल करते हैं। जाने से पहले आज की अच्छी बात, वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी, पराए भी। अपना अपने इर्द गिर्द के रंग कर हम सब ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।